बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप? हमें तो इतने अच्छे होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक खुश रखे। सो गाइस, आज भी पीपल आर्ट में बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए आर्ट लेकर आई हूँ, स्टोन पेंटिंग लेकर आई हूँ। आज आप लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत सी मैं ये पेंटिंग दिखा रही हूँ, और बड़ी हल्की फुल्की सी, यानी कि बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ों को मैंने पेंटिंग दिखाई है, और जो कि आप अपने बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं, और बच्चे खुशी खुशी चीज़ें देख कर बना भी सकते हैं। जैसे कि स्टोन, तो आपको पता है कि रेलवे स्टेशन जाएं तो पटरियों के पास पड़े होते हैं स्टोन के, अलग अलग से पीसेस पड़े होते हैं, अलग अलग से यानी कि अलग हर शेप के बने होते हैं। आप बहुत से सारी शेप के स्टोन उठा लाएं, स्टोन उठाने के बाद बच्चों को दिखाएं, पेंटिंग दिखाएं, ये वीडियो दिखाएं, ताकि बच्चे पेंटिंग सीखें। बड़े खूबसूरत से मैंने आज इसीलिए बच्चों के हिसाब से छोटी छोटी सी पेंटिंग दिखाई है, स्टोन पेंटिंग, ताकि बच्चे इजीली सीखें, और बड़े ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। और देखें कितने खूबसूरत सी छोटी मोटी मैंने आपको, जैसे बच्चे छोटे मोटे परिंदे हुए, और जानवर, छोटे मोटे जानवरों की स्टोन से पेंटिंग करें, उसको फ्रेम में प्यारा से फ्रेम में लगाकर, ग्लू से लगाकर फ्रेम तैयार करें। बड़े ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेकर आई हूँ, और अच्छी सी वीडियो है ये, और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी दिखाई गई वीडियो पसंद आएगी। बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, और इसके अलावा पेंटिंग ज़रूर सिखाइएगा। स्टोन पेंटिंग में बड़ा मज़ा आता है करते हुए, बच्चे बड़े इंजॉय करेंगे, और उम्मीद करूँगी आपको मेरी दिखाई गई वीडियो पसंद आएगी। सो व्यूअर्स, मेरे चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। चैनल नया है तो प्लीज़, अगर मुझसे कुछ बोलते हुए या वीडियो लेते हुए कुछ मिस्टेक हो, इसके लिए माजरा चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेशन में मुझे थोड़े से आइडियाज़ दें, ताकि मैं अपनी वीडियोस इस तरीके से बनाऊं जिस तरीके से आप लोग चाहते हो। फिर से मुलाकात करेंगे ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना भी, अपने साथ दूसरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।